पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को कैरियर संबंधित बातें बताने के लिए मुरादाबाद के MIT कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए काम किया जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर एक मोटिवेशन सेमिनार का आयोजन कराया गया, जिसमें विद्यार्थियों को कैरियर में आगे बढ़ने के लिए संदेश देने का प्रयास भी किया गया। MIT कॉलेज का ये कहना है कि हमारा उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हो और वो आगे बढ़ें और मुरादाबाद का नाम रोशन करें। MIT संस्थान में छात्र छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव प्लेसमेंट टॉपिक पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। ये कार्यशाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा TEQIP तृतीय के अंतर्गत आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता दिनेश पाठक करियर काउंसलर AKTU रहे। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि दिनेश पाठक, संस्थान के निदेशक डॉक्टर रोहित गर्ग एवं वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यशाला में MIT संस्थान के सभी छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि दिनेश पाठक जी ने संबोधित करते हुए कहा कि युवावस्था में छात्रों में अपने करियर के प्रति जागरूकता का होना अति आवश्यक है। कार्यशाला में आगे पाठक जी ने छात्रों को मुख्यतः चार क्षेत्रों पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU में, प्राइवेट क्षेत्र में एवं रिसर्च क्षेत्र में करियर बनाने और खुद का स्टार्टअप खोलने के लिए जागरूक किया एवं वहां तक पहुंचने की राह भी बताई। पाठक जी ने कहा AKTU अपने UIIC सेल द्वारा यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों को रोजगार दिलवाने का बेहतरीन कार्य कर रही है और पिछले एक वर्षों में हजारों छात्रों को इस सेल के माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार प्राप्त हो चुका है। छात्रों को गेट 2020 परीक्षा उत्तीर्ण कर IIT से MTech करने के लिए भी प्रेरित किया गया। पाठक जी ने कहा कि अगर एक बेटी पढ़ती है तो पूरी एक पीढ़ी शिक्षित होती है और अगर एक अच्छा शिक्षक तैयार होता है तो पूरा एक अच्छा समाज तैयार होता है। इसलिए मैं शिक्षकों को किसी IAS IPS अधिकारियों से कम नहीं आंकता और उनका उतना ही सम्मान करता हूँ। साथ ही मैं उन्होंने सभी छात्र छात्राओं से अपने माता पिता का सम्मान करने के लिए भी आग्रह किया। बेहतरीन परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे सम्मानित परीक्षा है। मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा मैं बार बार करता हूँ, लेकिन लोग मानते हैं तो मानना पड़ेगा, देश के साथ हमें चलना पड़ेगा, वरना इसी देश में है, वृंदावन में रहना होगा, राधे राधे करना होगा। तो DM साहब, कप्तान साहब की वैल्यू तो है ही, हम लोग यहाँ सभा कर रहे हैं, DM साहब चाहें अभी सभा बंद करा देंगे, वो कहेंगे 47 लगा दिए साहब, इतने लोग यहाँ बैठ ही नहीं सकते, कैंपस MIT का है, लेकिन DM साहब यहाँ घुस जाएंगे, कप्तान साहब आएंगे, एक बच्चे को उठाएंगे या हम ही को उठाएंगे, कहेंगे तो बाहर का आदमी आ गया है, आज तो मुरादाबाद तो बाहर के लोग अलाउ नहीं थे, तो चलो तुम शांति की आशंका में तुम्हें बंद कर देते हैं, शांति भंग की आशंका में तुम भी चले जाओ, 151 उठाया और पहुंचा दिया सही जगह। तो सबका अपना तय है, तो सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो आपका इंतजार कर रही है कि अगर आपको जिस किसी को अफसोस हो कि इंजीनियरिंग में मम्मी पापा भैया भाभी दीदी जीजा के कहने पर आ गया है, तो उसके पास एक मौका है कि अभी से वो डाइवर्ट कर ले। मैं आपको IAS बनने के लिए कह नहीं रहा हूं, आप इंजीनियर ही रहिए, देश को अच्छे इंजीनियरों की ज्यादा जरूरत है, कम से कम ऐसे पुल तो बना दोगे कि जो बनते ही टूटेंगे नहीं, ऐसी इमारतें तो बना दोगे जो बनते ही सीकर के शिकार नहीं होंगे, क्योंकि अपने यहां तो अंग्रेजों ने जो बनाया वो आज भी चल रहा है और हमारे बारे में जो बनाया हमारे सामने ही गिर जाता। कार्यशाला के अंत में सभी छात्र छात्राओं ने अपनी जिज्ञासाओं को पाठक जी के माध्यम से शांत किया। कार्यशाला का आयोजन MIT के TNP सेल के विभाग अध्यक्ष रितेश श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यशाला में MIT संस्थान के निदेशक डॉक्टर रोहित गर्ग, सभी शिक्षक एवं TNP सेल के सभी सदस्य उपस्थित रहे। आज MIT महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के तहत श्री दिनेश पाठक जी को विशेष तौर पर बुलाया गया है, जो कि हमारे फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनकी करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट के ऊपर काम करेंगे। क्या ज़रूरत महसूस की है आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने की? देखिए, ये मैं अपने कुलपति श्री विनय कुमार पाठक जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एक वरिष्ठ पत्रकार और बहुत ही बेहतरीन काउंसलर श्री दिनेश पाठक जी के रूप में उनको विश्वविद्यालय से जोड़ा और उनके माध्यम से बच्चों के अंदर पकड़ बनाने की कोशिश की और हमारे बच्चों में जो भटकाव है आज के दिन, जो हमारे फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो अपने करियर के प्रति, अपने प्लेसमेंट के प्रति सजग नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि आने वाले समय में
वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उनमें कम अभाव नज़र आता है, तो उसके प्रति सजगता रखते हुए और सकारात्मक विचारों की को बढ़ाने के लिए श्री कुलपति महोदय ने दिनेश पाठक जी को विशेष तौर पर नियुक्त किया है, जो कि हर कॉलेज में जाकर हर महाविद्यालय में जाकर वहाँ के फाइनल ईयर के बच्चों से, थर्ड ईयर के बच्चों से करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर बात कर रहे हैं।